इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर शुवार्ट्स के कुलपति आरबी लाल समेत 7 अन्य लोगों पर धर्म परिवर्तन कराने का एक ताजा मामला सामने आया है, जिसमें कुलपति के भाई विनोद बी लाल भी शामिल हैं। संस्था की ही पूर्व महिला कर्मचारी ने धर्म परिवर्तन समेत अन्य आरोपों में घूरपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और महिला ने पुलिस को बताया है कि 2020 में बीमारी के चलते उसके पति का निधन हो गया था। आरोप है कि लाल बंधुओं की लापरवाही के कारण इलाज न करवाने की वजह से पति की हुई थी मौत। इसके बाद उस पर अन्य लोगों पर भी धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाया गया। नैनी स्थित सैम हिगिनबॉटम्स यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस शुवार्ट्स के कुलपति हैं आरबी लाल। आरोप है कि आरबी लाल ने महिला को स्कूल में नौकरी और रहने के लिए घर और बच्चों की शिक्षा का लालच देकर धर्मांतरण कराया दिया। उसके पति बच्चों सहित यूसु दरबार लाया गया और यहाँ आरबी लाल विनोद बी लाल के कहने पर पुनः धर्म परिवर्तन किया गया। आरबी लाल के ऊपर इससे पहले भी धर्मांतरण कई आरोप लग चुके हैं। बहुचर्चित फतेहपुर धर्मांतरण मामले में भी आरबी लाल सहित शुवार्ट्स के कई पदाधिकारी के ऊपर आरोप लगे हैं। नूपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है, लेकिन इतना भी तय है कि आरबी लाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार उन पर एक के बाद एक मुकदमे पंजीकृत हो रहे हैं। काफ़ी गंभीर है धर्मांतरण जैसे आरोपों से यशु दरबार पहले ही सुर्खियों में रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ एसटीएफ ने शुवार्ट्स में पैसे की अनियमितता मामले में जहां आरबी लाल विनोद बी लाल व प्रोफेसर इम्तियाज समेत अन्य लोगों पर भी एफआईआर दर्ज कराई थी और जिसमें से 2 लोगों को जेल भी भेज दिया था। अब सरकार धर्मांतरण के सख्त खिलाफ है और ऐसे में सख्त कार्रवाई की बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही थी। तो वहीं दूसरी तरफ शुवार्ट्स से धर्मांतरण का खेल जारी है। क्या लगातार शुवार्ट्स के कुलपति आरबी लाल यूपी सरकार को चुनौती दे रहे हैं और धर्मांतरण का खेल जारी रखे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि इस पर आगे किस तरह की कार्रवाई होती है और क्या कुछ कहना है पीड़ित महिला का, आइए दिखाते हैं। पहले मैं मुसलमान थी, इन्होंने नौकरी के लालच में मुझे बुलाया था और मुझे मेरे आदमी को जॉब के रखे थे। कौन? विनोद लाल, आरबी लाल। इन्होंने जॉब कराया था, दिए थे, फिर उसके बाद इन्होंने मेरा पूरे रीति से शोषण करते थे वहाँ पे और 7,000 रुपये सैलरी देते थे और काम करवाते थे, स्कूल में भी काम करवाते थे, वो करते थे। फिर मेरा आदमी 2020 में ख़त्म हो गए। इन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया उनके ख़त्म होने के बाद और अपने घर पे देर रात तक से रोकते थे, अपना भी पर्सनल काम भी करवाते थे वहाँ पे और मेरे बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई सब कुछ ख़त्म कर दी बिना नोटिस का, बिना परमिशन का, बिना लेटर का, हमको पास होकर मेरे आदमी को मरने के बाद जॉब से हटा दिया। उसके पहले क्या कहते थे? उसके पहले बहुत वादा किए थे, तुम्हारे बच्चे को देखभाल करूँगा, पूरा खर्चा उठाऊँगा मैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं सारा सब कुछ करूँगा। यही लालच दे के मेरी आत्मा से मेरे शरीर से बहुत शोषण किए। देर रात तक घर पे बुलाते थे, रोते थे, मेरे बच्चे बिलखते थे, रोते गाते थे, अब कोई सुनवाई नहीं होती थी, मैं बिल्कुल अकेली थी। अब आपको क्यों निकाल दिए? बस इसलिए निकाल दिए, उनकी बात है, वो कहें हिंदू आपको धर्मात्मा को करना पड़ेगा, अपसेट करना पड़ेगा। अच्छा, लोगों को लेके आना पड़ेगा। हाँ, तो हमने उसमें नहीं तैयार हुए, इन्होंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं वहाँ से, उन्होंने हमको इस तरीके से हटा दिया, निकाल दिया। किस्ती मेमोरियल स्कूल कॉलेज, हाँ वही स्कूल में 2014 में हमको बुलाए थे, रखे थे और लोग का धर्म आक्रम किए और क्रिश्चन बनाए, सारी चीज़ों को वादा किए थे करने के लिए, कुछ भी नहीं किए, मुझे अंधेरे में रख के मेरा शोषण करते थे, स्कूल में भी काम करवाते थे और बाकी का घर पे भी बुला के देर रात को रखते थे। अब आपको हर जगह से निकाल दिए? हाँ, हर तरीके से मुझे बर्बाद करके इस तरीके से निकाल दिए। अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं दोनों बच्चे को लेकर। ये लोग क्या करते हैं स्वास्थ्य में? स्वास्थ्य में तो बहुत कुछ करते हैं, और सारी चीज़ों को मेरा आदमी भी जानता था, बहुत पर्सनल काम उन लोग का जानता था,
और इस चीज़ों को अच्छे से जानते थे, उनको भी धमका उमका के रखते थे, मुँह नहीं खोलना, मेरे खिलाफ जाना नहीं, मैं तो यही किया खा खत्म कर लूँगा। अच्छा। हम मुझे भी डराते थे। अच्छा। उनके जितने लोग हैं वहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं, सारे लोग फला फला आदमी लोग हैं, वो सारे उनके दैनहाते मिले हुए हैं, सब उनको बुरी निगाह से, बुरे तरीके से गाली रखना, रात के समय टॉर्चर करना, जो समझ में आता है वो करते थे उल्टा सीधा। और मैं जब बोलती थी तो मुंह बंद करने को कहा, चुप रहो, तुम्हारे बच्चों का भविष्य, पढ़ाई लिखाई करेंगे, सब करेंगे, सारा वादा किए थे, उनको मरने के बाद भी वादा किए, कुछ निभाए नहीं। अब इस समय हमको उठा के बच्चन को निकाल दें, मुझे निकाल दें, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।